चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन अब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा दिए, इसको पढ़ने से पहले अब स्टार्ट करो, ये ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अब डायग्रामेटिकली समझो। यहाँ बाबू बड़ा डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। यहां से तुम फायर करोगे, ठीक है, ये इस तरह से कवर करते हुए आएगा, तुम तो फेंके इसको सीधे, लेकिन जाएगा तो नहीं, ये तो कंफर्म है। यू वेलोसिटी से तुम फेंक दिए, कहीं पे भी तुम पूरा जो मोशन हो रहा है कहीं पे एक जगह पे पिक कर लो कोई पॉइंट को, स्टडी तो करना होगा ना। जैसे मान लो हम कोई चीज ऐसे फेंक रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो देखो एक चीज तुम यहाँ पे समझना। अब देखो कैसे फिजिक्स आखिर बनता है, कैसे फिजिक्स को हम लोग जनरेट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे फायर किए या फिर कोई छोड़ दिए या फिर छत पे जाकर ईंट मार दिए कुछ भी तरह का, या फिर जाकर टंकी का जो नल खोल दिए तो टंकी का पानी ऐसे गिर रहा है, तो कहीं पे हम अगर मान लो यहाँ पे इसको ले लिए स्टडी करने के लिए सपोज, ठीक है, मान लो बॉल यहाँ पे आया होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया, यहाँ पे इसको अगर तुम काटोगे इस तरह से, ध्यान दो रेट सही बना दो, तो ये इस तरह का आएगा बुआ, अरे आ नहीं रहा है, और ये इस तरह का भी आएगा, ठीक है, बना लो उसको। ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में, एक्स में, और ये तुम्हारा वाई में, तो ये यहां से यहां तक को हम लोग पी पॉइंट को एक्स वाई बना सकते हैं, और दसवां वाला कंसेप्ट है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं, नियामक ज्यामिति में पढ़ते हैं एक्स और वाई, करते हैं ना, अगर ये इतना एक्स तो ये भी एक्स तो वाई होता है ना, ये यहां से तुम्हारा एक्स हो सकता है, इसको तुम बढ़ा दियो ऐसे, ध्यान दो इसको भी मिला दोगे, यहां से यहां वाई हो सकता है बाबू, अरे होगा ना। और ये पूरा का पूरा जो हाइट लिए थे तुम जहां से फेंके हो, एच हाइट है तुम्हारा, एच ऊंचाई से फेंके हो, यहां तक क्लियर, इस कंसेप्ट को समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ होगा, यहां तो हम लोग कर दिए, कितना चीज इससे हम लोग निकाल सकते हैं, देखो फायर किए फेंक दिए, अगर तुम पूरे घटना को देखोगे तो क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ गिरने में एक समय लगा होगा, और लगा होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, उड़ने में कितना समय लगा, पहला पॉइंट क्लियर, यानी वो निकालेंगे हम लोग। दूसरा, यहाँ से यहाँ जो गिरा है तो कितना दूरी पे गिरा, तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इसका नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये भी निकालेंगे। अब समझ रहे हो कैसे हम जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पूरे गिरने में जो टाइम लगा उसको हम लोग टाइम निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है, और भी तो है ही यहाँ पे, और ये भी गया होगा ना, इसको मैं हटा देता हूँ कन्फ्यूज नहीं होने का, भी क्लियर है। अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, रेंज निकाल लिए, अगर यहाँ पे गिरा होगा जो यहाँ पे जो ये, तो इसको हम लोग एक रफ्तार से गिरा होगा तेजी से, इसका नाम है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, टकराने वाला वेग, कितना भी नहीं समझे, अरे कितना से टकराया है वो निकाल सकते हैं, स्ट्राइकिंग भी जो भी नाम देना दे दो यार, जो भी है ना, इसको तोड़ सकते हो बाद में, ये बाद की बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला हम लोग जो निकालेंगे, ध्यान दो, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बोले ना, यहाँ से यहाँ तक गिरने में क्या बना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालेंगे, है ना, तीसरा क्या निकालेंगे बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी जाकर कितना दूरी पे गिरा, नहीं समझे, हॉरिजॉन्टल रेंज, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे तुम भी निकाल सकते हो, यहाँ पे दो हिस्सों में टूट जाएगा,
ध्यान दो, एक इधर दैट इज कॉल्ड वी एक्स जो कि तुम्हारा यू ही रहेगा, अभी मैंने बताया, और इधर जो है वी वाई जो कि चेंज होता रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, डायग्राम क्लियर है एकदम पूरा? चौथा क्या निकालोगे बताओ? नहीं, पहला वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, यहाँ 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 कितना रफ्तार है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। पांचवा निकालेंगे स्ट्राइकिंग यानी टकराने वाला वेग जमीन से, कि कितना तेजी से टकराया वो निकालेंगे। पांच तरह की चीज़ हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y, टाइम ऑफ फ्लाइट में t, हॉरिजॉन्टल रेंज में r, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी s निकाल लो, s लिख लो, b लिख लो, जो तुमको लिखना है, ठीक है। चलो फटाफट से उतार लो ये, उसके बाद हम लोग थोड़ा मैथ पढ़ेंगे। चलो तो पहला नंबर क्या है तुम्हारा बताओ? ट्रेजेक्ट्री मैंने लिख दिया y वाला, कैसे निकालेंगे? अब देखो ध्यान दो, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, जस्ट इसके पहले वाले में, इधर वाले को हम लोग हॉरिजॉन्टल की तरह ट्रीट करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन वाला, यानी स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इधर वाले मोशन को हम लोग वर्टिकल वाले में लगाएंगे, फ्री फॉल वाला लगाएंगे। वेरी गुड। तो पहला कंसेप्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना मोशन। चलो भाई इधर वाले में लगाओ दिमाग। चलो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी हम बता चुके हैं ये सब बातें। स्पीड में कौन हो जाएगा? वी एक्स हो जाएगा इधर वाले में। चलो ध्यान दो यहाँ पे वी एक्स, डिस्टेंस क्या लेंगे? एक्स। वेरी गुड। इधर जा रहा है स्पीड, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है तुम्हारा? फिर से हम लोग हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं ना, इधर वाले में ना, बोल रहा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह पे तुम क्या लिख दोगे? वी एक्स ना, वी एक्स वाला, लेकिन डिस्टेंस में तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? एक्स ले लिया एक्स। टाइम मान लेते हैं टी है, छोटा वाला टी, तो यहाँ से टी ले लो, तो या फिर जो भी एक्स ले लो, एक्स ले लो। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, ये तुम्हारा यू है, तो इसको एक्स की जगह पे यू टी लिख सकते हो। मैथ बता रहे, देखो वी एक्स तुम्हारा यू है, और यू इंटू टी यू टी हो गया, एक्स बराबर यू टी, ठीक है। अब किस में? इधर वाला काम कर लिए ना, अब वर्टिकल वाले में हो, इन वर्टिकल डायरेक्शन मोशन। अब एक बात बताओ बाबू, पहला निकाल लिए, दूसरा निकाल रहे हैं, वर्टिकल वाले डायरेक्शन में कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? फ्री फॉल वाला ना। फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है? कि कोई चीज को हम लोग जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं, यही ना कंसेप्ट है। यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जीरो। ये नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और जो भी फॉर्मूला है वी बराबर यू प्लस जी टी, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर लगा दो। चलो तो क्या बनेगा बताओ? हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से यहाँ देखो एच वाला लगा लो, एच वाला फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एच इक्वल टू यू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग कहाँ किस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं? पी पॉइंट पे ना। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? देखो तो गौर से, वाई, एक्सीलेंट। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? समझ में आया? वाई ला के फिट कर दो यहाँ पे, नहीं समझे? यहाँ पे क्या फिट कर दोगे? वाई। चलो फिट कर दो वाई। यू कितना है? अभी ताज़ा बताएं कि फ्री फॉल है ना बाबू, और फ्री फॉल में यू कितना हो जाता है? जीरो इंटू टू, जीरो हो गया ये, प्लस हाफ जी, नहीं, और यहाँ से टी मांग रहा है टी, तो देखो टी यहाँ पे ले लो, तो टी लोगे एक्स बाई यू ना, यू नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे घेर लिए। चलो यहाँ पे घेर लो। अब देखो मजे की बात, टी टी के जगह पे क्या रख दोगे मेरे भाई? यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? चलो वाई कितना आया? हाफ जी है ना,
एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, नहीं। अब इसी को तुम अच्छे ढंग से लिख सकते हो, ध्यान दो, कोई चीज़ गिरता तो फ्री फॉल है। अब इसी को देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, y हाफ g, क्लियर है, बाई यू स्क्वायर, वन बाई यू स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, और इसको तुम एक्स स्क्वायर कर सकते हो, अरे वही चीज ना है। अब देखो ध्यान दो, इसको घेर दो, ये किस तरह का इक्वेशन है, ये पैराबोला इक्वेशन की तरह है कि नहीं, देखो मैंने बताया था y बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर, इसको तुम क्या बोल सकते हो, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। देखो पढ़ोगे मेरा लेक्चर तभी समझ में आएगा, अगर तुम सोच रहे हो कि हल्के में पढ़ लेंगे और जहाँ तहाँ से वीडियो देख लेंगे तो कहाँ से क्लियर होगा, ये कांस्टेंट है और ये तुम्हारा क्या हो गया, पैराबोला। देखो तो ये तो क्लियर होगा कि पैराबोला को दर्शा रहा है ये, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुम्हारा ये आएगा, वाई बराबर हाफ जी वन बाई यू स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। मैथ को आसान, देखो धीरे धीरे देखना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिए, आप लोग भी कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे चलकर और भी इसको इम्प्रूव कर दूं। यहाँ तक क्लियर है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या इक्वेशन होगा हम लोगों ने मैथ से फाइंड कर लिया। फिजिक्स से थोड़ा सा इसीलिए टफ हो जाता है, बातें तो समझ में आ जाती हैं लेकिन जब मैथ जैसे ही घुसता है तो थोड़ा सा बच्चा लड़खड़ाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा इसमें आराम से पढ़ो और जो भी है पूछो हम लोग से। चलो तो अब दूसरा क्या है तुम्हारा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने डायग्राम हटा दिया है, फिर से मैं बनाऊंगा, कोई काड़ा नहीं तब। यहाँ से बाबू ध्यान दो, तुम तो ऐसे फेंक दिए इसको यू, यहाँ से यहाँ आने तक में टाइम लगा होगा, इसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, यानी पूरे मोशन करने में कितना टाइम लगा यही बता रहा है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये u, अरे वी एक्स तो u ही रहेगा और ये तुम्हारा वी वाई, क्लियर है। देखो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इक्विवेलेंट होगा फ्री फॉल वाले टाइम के। देखो ध्यान दो, फ्री फॉल कहने का मतलब है ना, कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया समझना, नहीं। देखो यहाँ से कोई चीज़ छोड़ोगे, यू बराबर जीरो, ये नीचे गिरेगा, ध्यान दो यहाँ इसको तुम छोड़ दिए तो हर एक स्टेप पे ये गिरेगा, ध्यान दो यहाँ पे जितना टाइम होगा ना इसके लिए वो भी इतना ही टाइम होगा। फिर देखना मजे की बात, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे जितना टाइम होगा ना इसका, इस वाले बॉल का, यहाँ पे भी उतना ही टाइम होगा। फिर देखो, देखो ना, देखने में तो लग रहा है सर तिरछा जा रहा है, ये वाला ज़्यादा लगना चाहिए समय, अरे तो कम लगना चाहिए, नहीं, यही सब बात सिखा रहे, समझो। देखो ये तो लगना चाहिए ना, ये तो लग रहा है सर ऐसे अगर जा रहा है तो ये तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे सीधे गिरा तुरंत ही गिर जाना चाहिए, नहीं, दोनों में समय वही लगेगा। ये देखो जहाँ 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 ये पढ़ेगा ना वो भी इतना ही यहाँ पढ़ेगा, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, समय उतना ही, समय में कोई फर्क नहीं वाला है। अगर मान लेते टी जीरो समय पर ये यहाँ था और टी वन पे, तो टी जीरो यहाँ भी, टी वन यहाँ भी, टी टू यहाँ पे, टी टू, टाइम थ्री यहाँ पे, टाइम थ्री, टाइम सेम लगेगा, कोई अंतर नहीं हो रहा है। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि ये मोशन दो भागों में बढ़ गया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल वाले से ही टाइम का मतलब है, हॉरिजॉन्टल वाले से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना ही सेम टाइम इस वाले में, लेकिन देखने में लगता है, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे चकरा गया कि भाई इतना लंबा जो डिस्टेंस कवर करके जा रहा है तो ज़्यादा देर से गिरेगा, अरे ये बोला तो जल्दी से गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंट से ये शो हो गया है दोनों क्या करेगा वो साथ में, क्लियर है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द मोशन, क्या बोला मैंने, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी
टू कंप्लीट द मोशन, पूरा मोशन करने में जितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट द मोशन. अब देखो ध्यान दो, कैसे निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ? कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला लगा दो. एच हाइट है ना बाबू, यहाँ पे एच हाइट था, एच हाइट यहाँ पे भी तो एच ही जो भी है एच हाइट, दोनों का दम सेम रहेगा. निकाल लो वी बराबर यू प्लस जी टी होता है, क्लियर है? या फिर ए वाला ले लो, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का एच के जगह पे तो एच ही रहेगा, नहीं यू के जगह पे तो जीरो हो जाएगा, ये खत्म, प्लस हाफ जी नहीं, और ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलो ये कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट. अरे छोटा टी बड़ा टी में कन्वर्ट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट यही है ना तुम्हारा, इसलिए टी में बदल गया, क्लियर है? अब इसको क्या लिखोगे, टू एच बाई जी, इधर क्या टी का स्क्वायर, यही ना, चलो टी ले लो यहाँ से, टी बराबर रूट आ जाएगा ना, इधर इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर टू एच बाई जी, यहाँ तक क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट देखो तो सेम नहीं है, वर्टिकल मोशन में भी टाइम ऑफ डिसेंट निकालते तो यही आता था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, इधर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वेलेंट टू द, इक्वल है किसका, टाइम ऑफ उतरने में जितना समय लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का भी उतना ही लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा चुके हैं. चलो उतार लो ये, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम कितना लगता है, रूट टू एच बाई जी, क्लियर है? उतार लो. चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बताओ, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया. अब जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है बाबू बताओ, तीसरा नंबर हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी यहाँ से अगर हम फेंक दिए, इसको फायर कर दिए या फिर इसे थ्रो कर दिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद कितना दूरी पे जाकर गिरेगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रेंज ये आर से डिनोट करते हैं, क्लियर? ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल रेंज इज अ जस्ट अ डिस्टेंस, याद रखना कि कहां से कहां तक ये जाकर गिरेगा. अगर मान लो यहां पे ध्यान दो, ये तुम्हारा आर, क्लियर है? नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस कि यहां से यहां तक जाकर वो कितना गिरेगा, क्लियर है? क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा समय बीतने के बाद कहाँ जाकर वो गिरा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. वही मैं लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी, है ना, ये प्रोजेक्टाइल बॉडी, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए, प्रोजेक्टाइल बॉडी. अब एक बात बताना, ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ से जब फायर करेंगे तो ये यहाँ पे रेंज जब गिरेगा तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक करने में टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कवर कर लेगा तब ना, यानी ये तभी पूरा होगा जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कवर हो जाए, खत्म हो जाए, क्लियर है? क्या लिखे, ओरिएंटल रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है? पूरा टाइम होने के बाद जा कहाँ पे जाकर वो गिर गया, जैसे मान लो प्लेन जा रहा है. अब जैसे कहने का मतलब ये, बाढ़ग्रस्त इलाका में हेलीकॉप्टर जाता है तो चूड़ा उड़ा फेंकता है ना जी, चूड़ा खाना, मान लो कोई फंस गया बाढ़ में तो क्या करता है, प्लेन जाता होगा फेंक देता होगा, तो वो कैलकुलेट करता होगा कि कितना दूर पहले हम फेंके कि जाकर उसी जगह पे जाकर गिरेगा, समझ में आ रहा है ना, टाइम लगा कितना किलोमीटर पे जाके गिरा, ये सब हम लोग इसी वाले से निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो कैसे निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
क्लियर है। स्पीड में कौन सा स्पीड लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाला ना, इधर वाला ना, तो इधर वाले की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो मैंने लिख दिया है वी एक्स, और वी एक्स की जगह पे हम लोग क्या जानते हैं यू है, क्लियर है, तो डायरेक्ट यू लिख दूं मैं बराबर। और डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखोगे आर, वेरी गुड। और टी की जगह पे क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा होने के बाद ही तो गया है वो। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पीड की जगह पे वी एक्स वाला लिखेंगे क्योंकि इधर वाला सही ना पूरा हुआ, ये जाकर दिख गया, ठीक है। यानी यहाँ वाले केस में स्पीड कितना था यू, क्लियर है, टाइम कितना पूरा टी, और डिस्टेंस की जगह पे तो आर, यही तो निकालना है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू आर को आर रहने दो, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब आर ले लो यहाँ पे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो आर लोगे तो क्या मिलेगा, यू गुना टी, यू टी, आर इज इक्वल टू, और देखो टी निकाले में ताजा ताजा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रूट अंडर टू एच बाई जी है, बस रख दो टू एच बाई जी, और समझ में आया, बन गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे टी के जगह पर हम ये रख दिए हैं, एरो मार दिए, क्लियर है, चलो उतार लो फटाक से तेजी से। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, जब कभी पूछेगा कितना दूरी पर जाकर गिरेगा ये लगा देना है। और ये यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जब शुरुआत में वो जब फायर किया वो छोड़ा होगा ना तब का, ये जब कोई वस्तु है किस वेग से छोड़ दिया गया है, कहाँ पे, ये थ्रू आउट द पूरे पूरे मोशन में यू रहेगा। याद करो जब हम लोग ऐसे से बांटे थे तो इस साइड वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो भी चेंज करता है वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में वो पढ़ा है, पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, क्लियर है, चलो उतार लो। चलो यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे गया यू से, फिर ये वी बन गया होगा, मान लो यहाँ पे यू लिखा गया वो पहले थे, यहाँ पे मैंने वी लिख दिया, ठीक है, ठीक से ठीक कर लेना, हटा दे यहाँ पे। अब देखो चौथा नंबर, चौथा क्या निकालना, तीसरा नंबर तक हम लोग निकाल लिए हैं, अब निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब टोटल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, मान लेते हैं यहीं के टाइम पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ के टाइम पे ये पूरा, मान लेते हैं यहाँ पे आया होगा टी टाइम में रहा होगा, ये टी टाइम पे, तो यहाँ पे वी निकालना है कि कितना स्पीड से यहाँ पे है अभी ये बॉल या फिर कोई चीज़। फिर निकालेंगे जब ये निकल जाएगा तो पाँचवा नंबर निकालेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, कि जमीन से टकराते वक्त इतना वेलोसिटी होगा इस चीज़ का। मान लो बोरे फेंक दिया, सामान खाने का सामान का बोरा फेंक दिया, तो जमीन से टकराते वक्त कितना वेग से टकराया होगा, कितना वेलोसिटी से टकराया होगा, ठीक है। तो चौथा नंबर रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट या फिर टोटल वेलोसिटी एट एनी टाइम है ना, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पे, कहीं पे भी, तो हम लोग टी पे मान रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं। चलो एक बात बताओ कैसे निकलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेक्टर वाला यूज लगा लो, वेरी गुड। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं ना, एज वी नो, एक सेकेंड, एज वी नो आर का क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। चलो दो वेक्टर में कौन है यहाँ पे रिजल्टेंट, क्या निकालने वाले हो तुम लोग, भी निकालने वाले हो ना, भी लिख दिए, रूट अंडर दो वेक्टर कौन कौन है, एक वी एक्स है और वी वाई है, और वी के लिए दो वेक्टर टूटा ना, वी एक्स और वी वाई, तो ए के जगह पे क्या रखोगे, वी एक्स का स्क्वायर, बी के जगह पे वी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस, और थीटा के जगह पे क्या, दोनों के बीच में अगर तुम गौर से देखोगे तो 90 डिग्री है, और दोनों वेक्टर के बीच में देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, एक नीचे नीचे हाथ जाएगा, यानी इस तरह का देख लो, एक इधर डायरेक्शन में टूट गया, यही वेलोसिटी, यही वेग इधर एक टूट गया है एक्स वाले में और एक वाई वाले में, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, तो कॉस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90, क्लियर है। और तुम जानते हो पहले से कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, जीरो मार दो यहाँ पे, खत्म हो गया, ये बचा क्या तुम्हारे पास, वी इज इक्वल टू वी एक्स कितना है तुम्हारा, देखो वेरी गुड, यू का स्क्वायर वी वाई निकालना होगा,
तो वी वाई का स्क्वायर रहने दो, ये तो जीरो, कहानी खत्म हो गया ना। चलो u तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वी वाई निकालना है, किस डायरेक्शन में है वी वाई? नीचे ना, और नीचे वाले डायरेक्शन को जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो फ्री फॉल की तरह स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, बताओ बताओ ना। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन मोशन है ना, क्या करेंगे? यूज कौन सा कंसेप्ट? वेरी गुड, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, वो कोई चीज़ को हम लोग गिरा देते हैं यू जीरो से नहीं, वो गिरते जाता है, गिरते जाता है एच वेलोसिटी से। क्लियर है? चलो तो वी वाई ठीक है, यू ठीक है प्लस जी टी हो जाएगा। क्लियर है? और फ्री फॉल है, और फ्री फॉल में क्या होता है, यू क्या होता है तुम्हारा जीरो प्लस जी टी नहीं। तो वी वाई कितना हो गया बाबू? वी वाई यहाँ पे मैं कर देता हूँ आराम से, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। क्लियर है? यहाँ पे लिख दूँ वी वाई जी टी। अब इसी वी वाई को उठा के इसमें डाल दो, नहीं समझे? ये जो तुम्हारा आया यहाँ पे, इसी वी वाई को उठाकर यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या लिखाएगा रिजल्टेंट में? आर इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ के बाद यहाँ आ जाना ठीक है, यू का स्क्वायर प्लस और वी वाई के जगह पे जी टी का स्क्वायर हो गया। और रिजल्टेंट की जगह पे आर नहीं लिखना, वी लिख दो, टोटल वेलोसिटी ना। क्लियर है? तो टोटल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, यानी यहाँ पे कितना रफ्तार हुआ होगा? यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। यही कंसेप्ट हम लोग कहाँ लगा देंगे? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में, कि टकराते वक्त इतना लगेगा, ये यहाँ हो जाएगा। और वी वाई की जगह पे देखते हैं क्या निकलेगा, ये उतार लो पहले आराम से। चलो पांचवा नंबर क्या है बताओ? हाँ तो चलो, तो पांचवा नंबर हम लोग निकाल रहे हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टकराते वक्त कैसा, कितना वेलोसिटी, कितना वेग रहा होगा, नहीं वो हम लोग को निकालना है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है ना, ये किस तरह का वेलोसिटी है? एट द एंड पॉइंट, अंतिम समय में जब टकरा रहा है जमीन से वो कोई वस्तु जिसे फेंके हैं, तो कितना उसका वेग रहा होगा वही निकालना है, वही तरह का प्रोसेस। एज वी नो दैट, ये हटा दो पिछले वाला का है, चलो निकाले ना। चलो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की जगह पे आर की जगह पे क्या तुम क्या लिखोगे? वी एस लिखोगे। ए यहाँ पे देखो कितना है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, एंड पॉइंट यही है, तो क्या हो जाएगा बताओ? वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस टू वी एक्स वी वाई, और कॉस कितना यहाँ पे भी 90, समझ रहे हो ना, दोनों के बीच तो 90 डिग्री है, इसको काट दो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। चलो ये क्या बना बताओ? वी एस, वी एस कितना बना आपके पास? वी एस इज इक्वल टू रूट अंडर यू का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब चलो फिर से वी वाई निकालना है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आ जाते हैं सर, इसके बाद चलो वी वाई कैसे निकलेगा? नीचे है ना वी वाई, या वाई डायरेक्शन में जो वेग निकालना है तुमको वेलोसिटी, ये तो नीचे वाले डायरेक्शन में, और इस वाले डायरेक्शन में कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? फ्री फॉल, गिरने वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो चलो इन वर्टिकल डायरेक्शन, फिर से लिखो, इन वर्टिकल डायरेक्शन मोशन यूज फ्री फॉल कंसेप्ट। फ्री फॉल कंसेप्ट ध्यान देना यहाँ पे बाबू। अब देखो फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है, कि कोई चीज को हम लोग जीरो से छोड़ते हैं, गिर रहा है नहीं। एक बात बताओ, यहां से यहां ये गिरा तो पूरा समय कितना लिया? पूरा बड़ा वाला टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लिया। अरे क्लियर है? चलो अब निकाल दो वही कंसेप्ट, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ठीक है जी टी के जगह पे इस बार क्या लिखेंगे? क्यों क्यों बड़ा टी रख रहे हैं? छोटा वाला टी तो हम यहाँ रखे थे क्योंकि यहीं तक का स्टडी किया, लेकिन ये पूरा लास्ट में कर रहे हैं, तो पूरा टाइम तो टी ही लगा था ना, पूरा जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं टी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसी को मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यहाँ के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है, यू यू के जगह पे तुम क्या रखोगे? जीरो, ये तो जीरो हो गया।
मैं इसी को यहाँ पे कर देता हूँ जी टी, यहाँ आपके पास सिर्फ क्या बचा जी टी, क्लियर है जी खत्म। अब एक बात बताओ बाबू, वी वाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है देख लो, रूट अंडर टू एच बाई जी, यहाँ तक है ना, इस टी के जगह पे हम ये रख दिए, देखो एरो मार दिए, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सा मैथ में फिर यूज कर रहा हूँ, ये जी बाहर कब निकला होगा, इस रूट के अंदर स्क्वायर रहा होगा तब ना। देखो बेसिक सा मैथ है, कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर में स्क्वायर में है तो जब स्क्वायर से रूट बाहर हो जाता है तो ये जी बाहर निकलेगा। जैसे मान लेते सपोज एक चीज़ और, ये जी स्क्वायर है ठीक है, यहाँ पे टी है, कुछ भी रख दो टी है, तो जी कहाँ हो जाएगा बाहर हो जाएगा, टी अटक जाएगा, क्यों अटक गया अंदर, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर था तो बाहर निकला तो सिंपल रहा एक बना, यहाँ तो बाहर निकल के सिंपल एक रहा होगा, यानी अंदर जाएगा तो फिर स्क्वायर हो सकता है नहीं। अरे स्क्वायर से बाहर निकल के जब अकेला हो सकता है तो अकेला होने के बाद अंदर घुसा देगा तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चलो मैथ को फिर आगे बढ़ा रहे, वी वाई ये क्या बना, रूट अंडर ये अंदर घुसा दिए तो जी का स्क्वायर टू एच जी, एक जी से एक जी कट गया, वी वाई कितना आया आपके पास बताओ, रूट टू जी एच। अब बस इसी वी को उठा के ये वाला में डाल दो तो नहीं आ जाएगा कि टकराने वाला वेग कितना है, तो टकराने वाला वेग क्या हो जाएगा, नाउ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वी एस रूट अंडर यू का स्क्वायर प्लस रूट टू जी एच का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचा तुम्हारे पास बाबू बताओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी एस बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्लियर है। अब एक बात बताओ, नहीं स्क्वायर नहीं, प्लस में तो स्क्वायर से रूट नहीं खत्म, ओके गुना में रहेगा तब, क्लियर है, ये ध्यान गलती मत करना, क्लियर है। टकराने वाला वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, चलो ठीक उतार लो तेजी से।